नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता दरबार न्यूज। गठबंधन का नाम इंडिया रखने का किसने दिया प्रस्ताव, क्यों नाराज हुए नीतीश कुमार। बैठक में विपक्षी गठबंधन का नाम टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने सुझाया, राहुल गांधी ने इस पर समर्थन दिया। हालांकि इसके बाद इंडिया के फुल फॉर्म पर चर्चा हुई और इसका फुल फॉर्म इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस तय किया गया। नीतीश कुमार ने इंडियन नाम पर कड़ा एतराज भी जताया। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी का मुकाबला करने के लिए विपक्ष एकजुट होने की कोशिश में लगा रहा है। इसी क्रम में बेंगलुरु में 17-18 जुलाई को कांग्रेस ने विपक्षी दलों की बड़ी बैठक बुलाई थी। इस बैठक में 26 दलों के नेता शामिल हुए। बैठक में 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बन रहे इस विपक्षी गठबंधन को INDIA यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस नाम दिया गया। खास बात यह है कि गठबंधन का नाम INDIA रखने में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और राहुल गांधी की अहम भूमिका रही। गठबंधन का नाम तय होने के बाद कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि यह एक सामूहिक प्रयास था, मुझे नहीं लगता हम इसका श्रेय ले रहे हैं, लेकिन हाँ, यह विचार राहुल गांधी की ओर से आया था।